नवरात्र के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। सगड़ी विधानसभा, सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर सहित विभिन्न विसर्जन स्थलों का कोतवाल क्षेत्र अधिकारी ने निरीक्षण किया। नदी में प्रतिमा विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ विसर्जन स्थल पर गड्ढा खोदाई के साथ समुचित प्रकाश की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध है। जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति विसर्जन के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर जैनपुर कोतवाली प्रभारी विवेक पांडे सहित क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने बुधवार को विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन की ओर से मूर्तियों के विसर्जन की व्यवस्था की गई है। जैनपुर में स्थापित होने वाली मूर्तियों के विसर्जन को लेकर चयनित स्थल का बेरमा के समीप तमसा नदी के किनारे व लाड़घाट आसमत कड़ीमलिया के चिन्हित स्थानों का निरीक्षण कर क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र शुक्ला ने जैनपुर प्रभारी विवेक पांडे को नदी में प्रतिमा विसर्जन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के साथ चिन्हित स्थलों पर गड्ढा खुदाई व प्रकाश की संक्षिप्त व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि दशहरे पर्व के बाद सभी मेला आयोजकों व प्रतिमा स्थापित करने वाले लोगों को सूचीबद्ध कर नजदीक में चयनित स्थान पर प्रभावित कराने और वहां पर समुचित प्रकाश और सफाई की व्यवस्था करें और नदी में प्रतिमा प्रभावित करने पर पूर्ण रूप से रोकने के लिए निर्देश दिए।